नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडिया के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है कि साउथ कोरिया जो कि रेडी है इंडिया के साथ मिलके मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के लिए कोरियन कंपनी ह्यूंडई रोटम की तरफ से आ रही है। जहां पे आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी का ऐसा प्लान था कि इंडियन आर्मी तकरीबन 2400 T-72 टैंक ऑपरेट करती है, और उन टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी ऐसे प्लान कर रही थी कि वो कोई फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल मैन्युफैक्चर करे मेक इन इंडिया के अंतर्गत। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत थी वो तकरीबन $5 बिलियन की बताई जा रही थी। और अब ऐसी खबरें आ रही है कि साउथ कोरियन कंपनी का यह मानना है कि वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके वार्ता में है। अगर इस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की माने तो इस डील को लेके उन्होंने पहला राउंड पूरा कर लिया है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो सेकेंड राउंड होगा वो नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर लें, जिसके अंतर्गत अगर सारी चीजें एज प्लान चलती है तो ऐसी उम्मीद है कि इंडियन आर्मी के पास जो अभी 2400 T-72 टैंक्स है उनका रिप्लेसमेंट 2025-2026 तक हो पाएगा। जैसा कि आप सबको बता दूं, ये जो FRCV है ये कम्प्लीटली डिफरेंट व्हीकल है FICV से, जो कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और ये जो FRCV है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, ये एज अ मेन बैटल टैंक के रूप में देखे जा रहे हैं। और इस डील को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये प्लान कर रही है कि इंडिया में इस तरह के मेन बैटल टैंक को मैन्युफैक्चर करने का एक इकोसिस्टम बनाया जाए, जो कि तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस FRCV की मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडिजनस कंटेंट है उसकी मात्रा 40% से लेकर 50% के बीच में रखी जाएगी। जैसा कि आपको बता दूं, ये इंडिया का FRCV मेन कॉम्बैट व्हीकल, इसको आप कंपेयर कर सकते हो रशियन T-14 आर्माटा से, यूक्रेनियन ऑपलॉट से, फ्रेंच लेक्लर्क से, साउथ कोरियन K2 ब्लैक पैंथर मेन बैटल टैंक से। और वहीं पे आप इसे अ काइंड ऑफ कंपेयर कर सकते हो जर्मन वैगमैन और नेक्स्टर फ्रांस से। हालांकि ये टैंक इस टैंक से ज़्यादा हैवी हैं, तो उस लिहाज से इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। और इस टैंक को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंडियन पार्टनर्स होंगे उनके रूप में इंडिया की बहुत सारी कंपनियां सामने आई हैं, और उनमें से महिंद्रा ग्रुप, भारत फोर्ज, पुंज लॉयड, टाटा पावर SAD, टाटा मोटर्स, रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड, टीटागढ़ वैगन, तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि फॉरेन OEM के साथ मिलकर इस FRCV को मैन्युफैक्चर करने के लिए मॉड द्वारा रिलीज किए गए RFI को रिप्लाई करने वाली है। जैसा कि आपको बता दूं, इस FRCV के बहुत सारे वेरिएंट बनाए जाएंगे, जिसमें से जो कुछ मुख्य वेरिएंट होंगे वो इस प्रकार हैं। पहला वेरिएंट है मेन बैटल टैंक का, दूसरा वेरिएंट है ट्रैक ग्लाइड टैंक का, तीसरा वेरिएंट है व्हील्ड वर्जन, और चौथा वेरिएंट है ब्रिज लेयर टैंक, पांचवा वेरिएंट है ट्रॉल टैंक। तो इस तरह के कुछ और इसके वेरिएंट्स हैं जिस पे अभी मेन फोकस किया जा रहा है। तो अभी जान लेते हैं कि इसका जो मेन बैटल टैंक का वेरिएंट है वो किस प्रकार का होगा, कितना एडवांस होगा, उसमें कौन कौन से वेपन्स होंगे, तो आइए डाल लेते हैं एक नज़र। तो बात करें इसकी मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी के पैरामीटर में पावर टू वेट रेशियो होगा वो काफ़ी हायर होगा। ये एक मीडियम वेट क्लास का टैंक होने जा रहा है, जिसका जो वेट है वो कहीं ना कहीं 45-50 टन के बीच में होगा। इसमें यूज किया जा रहा है लो NGP का, मतलब लो नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर, जिसका मतलब यह है कि जो इस टैंक का ग्रॉस वेट होगा उसको आप व्हील के द्वारा ग्राउंड के साथ जितना भी कॉन्टैक्ट एरिया है उससे डिवाइड करोगे तो आपको नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर मिलता है, जिसे लो रखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी काफ़ी फास्ट होगी। और जहां पे इसका हाई पावर टू वेट रेशियो है जो कि इसको हेल्प करेगा इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाने में, तो बेसिकली इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो काफ़ी हाई होगी। अब बात कर लेते हैं फायर पावर की, तो फायर पावर के रूप में ये कैपेबल होगा हर तरह के एम्यूनिशन फायर करने में, इंक्लूडिंग ATGMs। और सेकेंडरी वेपन के रूप में इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के गन दिए जा रहे हैं, जो कि 25mm से लेकर 30mm तक की प्लानिंग है डिफरेंट डिफरेंट इसके वर्जन्स के लिए। इसमें दी जा रही है ऑल वेदर डे और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी, जिसके साथ इसमें इक्विप किया जा रहा है हाई FRHP, मतलब फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी, जिसके साथ सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड होगी। इसमें लगाया जा रहा है फुल फायर कंट्रोल सिस्टम, जिसके साथ होगा ऑटो मल्टी टारगेट ट्रैकर, जिसे बेसिकली बनाया गया है 100 किलर कॉन्सेप्ट पे। और इसमें जो भी कैमरा और सेंसर दिए गए हैं वो तकरीबन किसी भी बैटल ग्राउंड का 360° कवरेज करने में सक्षम होंगे, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा अंदर बैठे क्रू को बैटल टैंक को ऑपरेट करने में। बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की या फिर इसके सर्वाइव करने की एबिलिटी को, इसमें दिया जा रहा है एक्टिव और पैसिव, रिएक्टिव और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन आर्मर के साथ साथ कुछ स्टील्थ फंक्शनिंग भी दी जा रही है, जो कि हेल्प करेगा इसके सिग्नेचर्स को रिड्यूस करने में। और इसके प्रोटेक्शन के रूप में दिया जा रहा है फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम। जैसा कि आप सबको बता दूं, इस प्रोजेक्ट को रखा गया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 के MEK-1 कैटेगरी में। जैसा कि हमने कल ही के वीडियो में बात की थी MEK-2 और MEK-3 कैटेगरी किस तरह की होती है, तो इसे रखा गया है MEK-1 कैटेगरी में, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में लग रहा है टाइम ड्यूरेशन को कम करेगा। तो अगर आप इसके द्वारा फायर किए जाने वाले वेपन की सोचो, स्पेशली कैटेगराइज करोगे, तो ये कैपेबल होगा फायर करने में गन, IED, RPG, ATGM, बॉम्बलेट्स, गाइडेड और अनगाइडेड मोटार्स, टर्मिनली गाइडेड सब यूनिट वेपन्स, स्मार्ट आर्टिलरीज, अनगाइडेड आर्टिलरीज, टैंक CE और टैंक KE। तो ये इस प्रकार के वेपन को फायर करने में सक्षम है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इंडिया के जो करंट T-72 टैंक है उनका एक अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता है, अगर जितने फंक्शंस ऑन पेपर है उनको एग्जीक्यूट कर लिया गया। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।